नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। वरिष्ठ पत्रकार से जबरन 5 करोड़ की वसूली के मामले में महिला पत्रकार सलोनी गिरफ्तार, देखेंगे रिपोर्ट। वरिष्ठ पत्रकार कल्पेश याग्निक से 5 करोड़ रुपए की कथित मांग करने की आरोपी पत्रकार सलोनी अरोड़ा को मध्य प्रदेश पुलिस ने मुंबई पुलिस की मदद से शनिवार शाम को अंधेरी इलाके से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वह बेटे से मिलने वहां आई थी। बताया जा रहा है कि पुलिस सलोनी का 15 दिनों से पीछा कर रही थी। सलोनी अरोड़ा की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा उसके भाई, बहन, जीजा और दोस्तों सहित करीब 150 लोगों की कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग निकालने के बाद संभव हो पाई। पुलिस को उसके मुंबई में आने की खबर सलोनी के दिल्ली में रहने वाले मामा के मोबाइल नंबर की ट्रेसिंग से मिली। इससे पहले सलोनी मेरठ में थी। पुलिस के अनुसार जब एक टीम मेरठ पहुंची तो सलोनी वहां से दिल्ली और फिर मुंबई के लिए निकल गई। इस बीच मुंबई पहुंचते ही उसके घर के आसपास तैनात पुलिस के मुखबिर ने जानकारी दी कि सलोनी का बेटा अंधेरी स्थित एक नामचीन कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करता है, जिससे मिलने के लिए शनिवार को सलोनी अंधेरी आने वाली है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने सादे कपड़ों में कोचिंग के आसपास जाल बिछाया। जैसे ही सलोनी बेटे से मिलने पहुंची, उसे दबोच लिया। रविवार को सलोनी को मुंबई पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को सौंप दिया गया। इस मामले में सलोनी का नाम 20 जुलाई को तब सामने आया जब कल्पेश याग्निक के भाई नीरज याग्निक ने इंदौर के MIG पुलिस थाने के अपने भाई की आत्महत्या के लिए पूर्व पत्रकार सलोनी अरोड़ा को जिम्मेदार ठहराते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। बता दें कि कल्पेश याग्निक एक दैनिक अखबार के संपादक थे। उनका शव 12 जुलाई की रात अपने कार्यालय में पड़ा हुआ मिला था। जांच के बाद मामला सामने आया कि महिला पत्रकार सलोनी पर कल्पेश याग्निक को ब्लैकमेल कर रही थी। इस संबंध में कल्पेश याग्निक के परिजनों और सहकर्मियों ने पुलिस में बयान दर्ज किया था। सलोनी के खिलाफ पुलिस में शिकायत होने के बाद वह फरार चल रही थी। विकास के समय में ज्ञात राज्य के लिए CBSE के विद्यालय, देखेंगे रिपोर्ट। नवी मुंबई महानगर पालिका के शिक्षा विभाग ने CBSE बोर्ड से संगलन दोनों नए स्कूलों का संचालन शुरू कर दिया है। इनमें से एक स्कूल का उद्घाटन शनिवार को कोपर खैरणे सेक्टर 11 में हुआ और दूसरे का रविवार को नेहरूल सेक्टर 50 में किया गया। CBSE बोर्ड से संगलन दो स्कूल शुरू करने वाली नवी मुंबई राज्य की पहली मनपा बन गई है। इन दोनों स्कूलों में ही कक्षा पहली के वर्ग शुरू किए गए हैं। स्कूलों में समाज के सभी वर्गों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। कोपर खैरणे सेक्टर 11 में खुले स्कूल में अब तक 50 विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिया है, जबकि नेहरूल सेक्टर 50 के स्कूल में 20 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा चुका है। सभी विद्यार्थियों को आवश्यक शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई है। महापौर जयवंत सुतार ने कहा कि नवी मुंबई मनपा ने भविष्य में समय की अग्रिम पहचान करते हुए इन दोनों स्कूलों को शुरू किया है। मनपा के इस निर्णय का लाभ समाज के उन वंचित व गरीब वर्ग के बच्चों को मिलेगा जो निजी क्षेत्र के महंगे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अपने बच्चों को प्रवेश नहीं दिला पाते हैं। दोनों स्कूलों में शिक्षा क्षेत्र के समस्त आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नेहरूल में उद्घाटन के दौरान विधायक मंदाताई महात्रे ने विधायक निधि से 66 रुपए की सहायता की कक्षाओं में डिजिटल कक्ष स्थापित करने की भी घोषणा की। कोपर खैरणे के स्कूल में भी यही सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दोनों स्कूलों का संचालन आकांक्षा फाउंडेशन करेगा। शिक्षकों के वेतन के लिए मनपा अपनी तरफ से आर्थिक सहायता करेगी। एक तरफा प्यार के चलते सिरफिरे आशिक ने ली युक्ति की जान, देखेंगे रिपोर्ट। पूर्वी एक्सप्रेस राजमार्ग पर यहां शनिवार को प्यार में ठुकराए एक प्रेमी ने अपनी पूर्व प्रेमिका की छुरा घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि घटना उस वक्त की है जब लड़की स्कूटर से अपने काम पर जा रही थी। एक अधिकारी के मुताबिक लड़की की पहचान 21 वर्षीय प्राची विकास जेड़े के रूप में हुई है। घात लगाकर बैठे प्राची के पूर्व प्रेमी आकाश पवार ने उस पर एक के बाद एक कई वार किए। इस दौरान वहां से कई वाहन निकले और राहगीर हक्के बक्के देखते रह गए। घटना शहर के पंच पखड़ी इलाके में नितिन कंपनी के समीप की है। घटना को अंजाम देने के बाद पवार मौके से फरार हो गया। कुछ राहगीरों ने उसे पकड़ने की प्रयास किया, लेकिन पवार ने खून से सना चाकू उनकी ओर लहराया, जिसके बाद लोग पीछे हट गए। लोगों ने राजमार्ग पर पड़ी खून से लथपथ लड़की को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने पवार की खोज की और आखिरकार घटनास्थल से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर जिले के भिवंडी शहर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पता चला कि लड़की के पिछले 3 साल से पवार के साथ दोस्ताना संबंध थे, लेकिन कुछ महीने पहले दोनों अलग हो गए थे। पवार ने उसका पीछा करना और उसे परेशान करना नहीं छोड़ा। प्राची के घर के पास पवार ने उस पर हमला किया था और जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद प्राची ने 11 जून को उसके खिलाफ कपूर बावड़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। 1.26 करोड़ का गांजा DRI ने किया जब्त, दिखी रिपोर्ट। विजयवाड़ा में 1.26 करोड़ रुपए जब्त किए गए, 842 किलोग्राम गांजा, दो गिरफ्तार। DRI के अधिकारियों ने रविवार को कहा कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 842 किलोग्राम वजन और 1.26 करोड़ रुपए के कैनबिस जब्त किए गए थे और इस संबंध में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर प्रतिबंधित नारकोटिक दवाओं को अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने शनिवार को विजयवाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर कार्गो वाहन को रोक दिया। एक DRI रिलीज ने हैदराबाद में कहा, वाहन की खोज के दौरान अधिकारियों ने 397 पैकेट में 842.72 किलोग्राम गांजा पाया। महाराष्ट्र में अहमदनगर के लिए गांजा का निर्यात किया गया था। उन्होंने कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत नशीली दवाओं को जब्त कर लिया गया है। NDPS अधिनियम 1985 के तहत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की जांच चल रही है। मुंबई में खून के बाद लखनऊ में बनाया गया पार पत्र, हत्यारा कैसे हुआ गायब, देखेंगे रिपोर्ट। किसी भी संगीन अपराध के बाद आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है, ताकि यदि वह देश से बाहर भागने की कोशिश करे तो सभी एयरपोर्ट्स पर उसके वहां पहुंचते ही जांच एजेंसियों के पास अलर्ट आ जाए। लेकिन नौशाद शोएब खान नामक अपराधी कई वारदात के बाद भी सऊदी अरब नियमित आता जाता रहा। सौभाग्य से शुक्रवार को उसका देश छोड़ने का प्रयास सफल नहीं हुआ। सीनियर इंस्पेक्टर अशोक खोत ने उसे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। नौशाद यूपी के आजमगढ़ का मूल निवासी है। साल 2010 में वह घाटकोपर के अशोक नगर में रहता था। घाटकोपर में ज्वेलर भरत सिंह की ज्वेलरी की दुकान थी। भरत दुकान में ज्वेलरी नहीं छोड़ते थे, वह इसे रोज घर से दुकान और दुकान से घर ले जाते। नौशाद को कहीं से इसकी टिप मिल गई। 13 अप्रैल 2010 को वह अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा और लूटने के मकसद से भरत को गोली मार दी। ज्वेलर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पब्लिक इलाके में जमा हो गई, इसलिए आभूषण नहीं उठा पाया और वहां से भाग लिया। ज्वेलर की हत्या के बाद वह मुंबई से आजमगढ़ गया। कुछ दिन वहां छिपने के बाद लखनऊ आया। वहां से अपने मूल नाम से पासपोर्ट बनवाया। खास बात यह है कि पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। पासपोर्ट बनवाने की कई शर्तों में एक शर्त यह भी होती है कि आवेदक के खिलाफ कोई पुलिस केस तो नहीं है। नौशाद के खिलाफ मुंबई में मर्डर जैसा संगीन केस हुआ, बावजूद इसके वह लखनऊ में पासपोर्ट बनवाने में कामयाब हो गया। इस पासपोर्ट पर उसी साल सऊदी अरब गया। वहां उसने 6 महीने ड्राइवर के तौर पर नौकरी की। 2011 में वह अहमदाबाद लौटा और नादियाद में गाड़ियां ड्राइव करने लगा। 2014 में फिर वह सऊदी अरब गया और अगले साल आजमगढ़ में अपने मूल गांव लौटा। वहां उसने एक पारिवारिक विवाद में अपने साले को गोली मार दी। उस केस में वह गिरफ्तार हुआ, लेकिन कुछ महीने बाद जमानत पर बाहर आ गया। पिछले साल वह वापस मुंबई आया और घाटकोपर के अशोक नगर में किसी की हत्या की कोशिश की। उसके खिलाफ साकीनाका पुलिस स्टेशन में भी साल 2006 में 2 FIR दर्ज हो चुकी थी। 9 साल पहले घाटकोपर के एक अन्य केस में भी वह आरोपी है। फिर भी यूपी के बने पासपोर्ट पर वह विदेश घूमता रहा। दो पतियों के बीच में हुआ झगड़ा, तीसरे के साथ भागी पत्नी, देखेंगे रिपोर्ट। महिला के विवाद में बीच सड़क पर दो लोगों के बीच जमकर लात घूंसे चल रहे हों, आसपास तमाशा देखने वालों की भीड़ लग जाए, इतने में महिला किसी तीसरे शख्स के साथ निकल जाए, यह किसी फिल्म का सीन नहीं है बल्कि हकीकत है जिसके गवाह सैकड़ों लोग बने। बेंगलुरु में पुणे हाईवे पर बावी केरे क्रॉस पर शनिवार को 11 बजे हुई इस अजीबोगरीब ड्रामे की वजह से जाम लग गया। लोग अपनी गाड़ियां रोक रोक कर पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाने लगे। पुलिस ने बताया सिद्धू राजू और मूर्ति नामक दो शख्स बीच सड़क पर मुक्के और घूसों की बौछार कर रहे थे। दोनों शशिकला नामक महिला के लिए लड़ रहे थे, लेकिन महिला इन दोनों को लड़ता छोड़ तीसरे शख्स के साथ चली गई। पुलिस ने बताया शशिकला ने 2000 में रंगास्वामी से शादी रचाई थी, जो 2010 तक खत्म हो गई।
उसके बाद महिला रमेश नामक शख्स के साथ रहने लगी। 2015 में वह कुमार नामक दूसरे शख्स के पास चली गई, लेकिन यह रिश्ता 6 महीने ही चला। 2017 में वह चिक्का बिदारी कल्लू नामक ट्रैक्टर ड्राइवर के साथ रह रही थी, जिसके 2 बच्चे पहले से थे। पुलिस के मुताबिक शशिकला जहां काम करती थी, वहां एक कैब ड्राइवर सिद्धू राजू से भी शशिकला का रिश्ता रहा। शनिवार को शशिकला एक बस स्टॉप पर सिद्धू राजू के साथ खड़ी थी, तब अचानक से मूर्ति वहां आ गया और उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। मौके पर पहुंची पुलिस को शशिकला ने बताया कि दोनों मेरे दोस्त हैं और एक दूसरे से जलते हैं। उसने कहा कि वह दोनों में से किसी से भी शादी नहीं करेगी। इतने में शशिकला का एक और दोस्त आ गया और वह उसके साथ चली गई। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी अंजलि डोगरा के साथ। SBT News, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।